हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आप कान्हा जी के लिए आपको यह सुंदर सा मोर पंख सजाना सिखाऊंगी। ये देखिए, घर में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी डेकोरेट हो जाता है। कान्हा जी की पगड़ी में बहुत ही सुंदर लगता है लगाया हुआ। हमारे कान्हा जी को तो मोर पंख वैसे ही बहुत पसंद है। देखिए, इसमें मैंने स्टोन चेन लगाई है, यह सिल्वर स्टोन्स का यूज किया है। और ये देखिए, ये मैंने ये हाफ कटिंग पर्ल्स लगाए हैं, ये पैच लगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये एक मोर पंख लेंगे। ये लोकल मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसको हम ऐसे कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, हमारे पास मोर पंख आ गया। इसके ऊपर के इन फैदर्स को हम कैंची से एक्स्ट्रा फैदर्स को कट कर देंगे, इनको शेप देते हुए। ये देखिए, नीचे से छोटे ऊपर से बड़े, आप अपने अकॉर्डिंग शेप में इसको ऐसे पकड़ कर कट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने कट कर लिया है शेप में। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो चलिए डेकोरेट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये पैच लिया है नीचे लगाने के लिए। आप कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। इस पर हम हॉट ग्लू लगाकर इसको यहाँ बिल्कुल कोने पर चिपका देंगे ऐसे। इसके बाद हम अपनी एक ये स्टोन चेन लेंगे। इसके चारों तरफ हम ये हॉट ग्लू से स्टोन चेन चिपका देंगे। देखिए, मैंने काट के रखी हुई है। पहले आप नाप कर अपने कट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको हॉट ग्लू से लगा दीजिएगा। और इसके बिल्कुल फैदर्स को एकदम इक्वल सेट करते हुए इसके ऊपर भी हम बिल्कुल गोलाई में ये ऐसे हॉट ग्लू से चेन ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल सेट करते हुए। और ये हाफ कटिंग पर्ल्स, ये मैंने ये सिल्वर पर्ल्स हैं, इसको भी देखिए। पहले हम ये हाफ कटिंग पर्ल्स, ये सब फ्रेंड्स हम फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे। चेन्स को हम हॉट ग्लू से लगाएंगे, ये सब हम फैब्रिक ग्लू से सेट कर कर ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगा लिए हैं ऐसे। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है मोरपंख। अब इसके पीछे हम एक ये ऑल पिन लेंगे। ऑल पिन को हम ऐसे पीछे रखेंगे, हॉट ग्लू से इसको हम चिपकाएंगे। ये देखिए कैसे, पहले हम ये पिन रखेंगे और हम यहाँ पर हॉट ग्लू लगा लेंगे। इसके ऊपर अपनी ऑल पिन रख देंगे, थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि वो कान्हा जी की पगड़ी में लगेगी। और ऐसे ही हम इस कपड़े के ऊपर, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने वेलवेट का पीस लिया है छोटा सा, ये लगा दिया हमने। जब ये सूख जाए फ्रेंड, सेट हो जाएगी आपकी ये, तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। देखिए, और ये हमारा सुंदर सा मोर पंख बनकर कान्हा जी की पगड़ी में लगाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।